क्यों धारण करते हैं भगवान शिव बाघ की खाल। अक्सर भगवान शिव के बारे में बहुत सी कथाओं व कहानियों में हम सब ने सुना ही होगा कि उनका स्वरूप कैसा है। जैसा कि सबने पढ़ा ही होगा कि वे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर चांद व शरीर पर बाघ की खाल धारण करते हैं। ऐसा स्वरूप पढ़कर या सुनकर पहली बार तो हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन जिसका धन मन धन भोलेनाथ की सेवा में लग जाए वे इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं देता है। किंतु फिर भी क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि भगवान बाघ की खाल क्यों धारण करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आपको हैरानी होगी। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार ब्रह्मांड का गमन करते करते एक जंगल में पहुँचे, जो की ऋषि मुनियों का स्थान और वे सब अपने परिवार के साथ रहते थे। भगवान शिव इस जंगल से निर्वस्त्र गुजर रहे थे और वे इस बात से अनजान थे कि उन्होंने वस्त्र धारण नहीं कर रखे। शिव जी का सुडौल शरीर देख ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी। वह धीरे धीरे सभी कार्यों को छोड़ केवल शिव जी पर ध्यान देने लगी। तत्पश्चात जब ऋषियों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी के कारण, जो कि इस बात से अनजान थे कि वे भगवान शिव हैं और उन्हें वे एक साधारण व्यक्ति जान रहे थे, उनकी पत्नियां मार्ग से भटक रही हैं, तो वे बेहद क्रोधित हुए। तभी सभी ने मिलकर भगवान को बाघ से मरवाने की योजना बनाई। एक दिन शिव जहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे ही शिव को देखा कि वे उनके द्वारा बनाए गए जाल में फंस गए हैं, तो उन्होंने उस गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया ताकि वे शिव जी को मार कर खा जाए। लेकिन आगे जो हुआ उसे देख सभी हैरान हो गए। कुछ समय बाद भगवान ने बाघ को मार कर उसकी खाल को शरीर पर लपेट लिया और ये देख कर सब हैरान हो गए और तभी उन्होंने जाना कि वे कोई साधारण नहीं है। सभी ने मिलकर भगवान को प्रणाम किया व उनका परिचय पूछा। सभी ने जानना कि देवों के देव महादेव हैं। इसी को आधार मानते हुए यह बताया जाता है कि क्यों शिव जी बाघ की खाल पहनते हैं या फिर उस खाल के ऊपर विराजमान होते हैं।